आवाज नहीं आ रही आपकी? जितनी हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं और बहुत खूबसूरत ये इंतजाम हुआ, ये टैलेंट हंट हो रहा है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ प्रफुल्ल साहू और उसकी पूरी टीम को, सभी को, कि ऐसे आप लोग करते रहे, बहुत अच्छा टैलेंट है अयोध्या में। और मेरे सामने बैठी अम्मा जी, हमारे जजेस रोहन भाई और ऋषि सर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ।
जोरदार तालियां। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, आपने कितनों को ऐसे गानों से दीवानी बनाया है? किसी को नहीं। अरे सच बताइए, म्यूजिशियन को मैं जानता हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ, म्यूजिशियन को जानता हूँ कितने ज्यादा। मुझे से गाना ही नहीं आता, दीवाना दीवानी तो ऊपर बनाते हैं, मुझे नहीं पता, बाकी तो खुद बना देता है सर। अच्छा सर, बताइए कितनी गर्लफ्रेंड रही हैं आपके इस गाने के चक्कर में? देखिए गर्लफ्रेंड तो बहुत दूर हूँ मैं, क्योंकि मैं पहले फोकस अपने म्यूजिक पे करता हूँ। नहीं देखिए, म्यूजिक के बाद में लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, म्यूजिक मेरी जिंदगी, म्यूजिक मेरी जान। ये एक मिनट, ये पॉलिटिशियन वाले जवाब है, सच बताइए सर। सच बोल रहा हूँ, मेरा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी म्यूजिक है, उसके बाद सबसे पहले ऊपर वाले, फिर माँ बाप, फिर म्यूजिक, फिर बाद में देखते हैं कौन होता है। ऐसा एंकर मुझे बोलना पड़ेगा यार, ये बहुत ही अच्छी बात है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कि अपनी जिंदगी में गर्लफ्रेंड के नाम पे इस चीज को रखना पड़ेगा, मुझे एज एंकर बोलना पड़ता है यार। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सच में जो इन्होंने गाना गाया वो बड़ी कड़ी तपस्या से ही होता है। जो यहाँ पर हमारे जजेस बैठे हैं, कोरियोग्राफर हमारे साथ हैं, जो हमारे जजेस हैं, हमारी मैम साथ में हैं, वो बहुत कड़ी तपस्या से, मेहनत से होता है। अगर आप यहाँ पर किसी को डांस करता वो भी देख रहे हैं और वो बेहतरीन डांस कर रहा है, तो वो बहुत आराम से नहीं हो जाता, उसके लिए फिटनेस चाहिए होती है, उसके लिए स्टेमिना चाहिए होता है, और बहुत मेहनत उसके पीछे होती है। तो उन सभी के लिए, और आप जो बैठे हैं वो भी मेहनत है, क्योंकि इतनी देर तक टुई टिकाकर बैठना बड़ी हिम्मत की बात है। एक बार जोरदार तालियां खुद के लिए, और हमारे कोरियोग्राफर से लेकर हमारे एक्टर और डांसर, साथ ही साथ हमारे म्यूजिशियन के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। अब मॉडलिंग राउंड शुरू होने वाला है, उसके अलावा